गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों? आज हम लेसन वन के मीनिंग्स करेंगे. ओके, क्या करेंगे? लेसन वन, मदद कर. इसके मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जॉइन, सेपरेट और कुछ टू लेटर वर्ड्स पढ़ाए थे, और थ्री लेटर वर्ड्स, फोर लेटर वर्ड्स, है ना. तो आज हम उस चैप्टर के मीनिंग्स. तो मीनिंग्स बच्चों हम हिंदी का इंग्लिश में. ओके, हिंदी टू हिंदी नहीं, हिंदी टू इंग्लिश. हिंदी का मीनिंग इंग्लिश में सीखेंगे, है ना. तो मीनिंग्स, मीनिंग्स की स्पेलिंग एम ई ए एन आई एन जी एस. मीनिंग्स यानी अर्थ. क्या होता है मीनिंग्स का मतलब बच्चों? अर्थ. ओके, हिंदी में अर्थ बोलते, इंग्लिश में मीनिंग. फर्स्ट है मदद, मदद, है ना. पार्ट का नाम ही है, चैप्टर का नाम क्या है, हेडिंग क्या है, टाइटल मदद कर, मतलब हेल्प करना. तो बच्चों मदद को इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं, H E L P, हेल्प. हेल्प को हिंदी में क्या बोलेंगे? मदद. ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, मीनिंग इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए. तो एकदम आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना. तो मदद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बोलिए फिर से, शाबाश, हेल्प. सेकेंड है बहन, आपकी बहन होंगी, है ना. तो बहन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस आई एस टी ई आर, सिस्टर. क्या बोलते हैं बच्चों बहन को? सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर. सिस्टर यानी बहन, या बहन मतलब सिस्टर. ऐसे बोलो चाहे ऐसे, एक ही बात है बच्चों. थर्ड पकड़, पकड़. जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल थ्रो करता है और दूसरा क्या करता है? कैच, है ना. तो हमने क्या करा बॉल को बच्चों? पकड़ा. तो कैच, सी ए टी सी एच, कैच. कैच यानी पकड़ना, है ना. तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल दिया है. ऐसे और कोई सी भी चीज, हम जैसे आपने मुझे ये चौक दिया तो मैंने इसे क्या करा? पकड़ा. आपको कोई भी कोई सामान देता है तो आप उसे क्या करते हैं? पकड़ते हैं. जैसे बैग को आप पकड़ के फिर कैरी करके पीछे लगते हैं, अपनी वाटर बॉटल पकड़ते हैं. कोई भी चीज पकड़ना, कैच करना यानी पकड़ना. फोर नंबर नल, नल. बच्चों आपके सबके घर में नल होंगे, वॉशरूम में जाना, देखना नल. तो नल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी ए पी, टैप. टैप यानी नल, है ना. नल में से क्या आता है? जल, पानी, है ना. हम उसको ऑन ऑफ करते हैं ना, नल को खोलते हैं तो पानी गिरने लगता है, फिर हम बकेट भरते हैं, फिर हम बात करते हैं, है ना. फिर नेक्स्ट है फोर नंबर के बाद फाइव नंबर. फाइव नंबर में है जल, जल. जल को हम पानी भी बोलते हैं बच्चों, हिंदी में जल और हिंदी में पानी भी बोलते हैं. जल पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर. आपके पास वाटर बॉटल होगी, उसमें आप पानी भरते हैं, पीते हैं ना पानी. सिक्स नंबर बर्तन, बर्तन. बर्तन यानी बच्चों पॉट. घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, कोई से भी, पी ओ टी, पॉट. पॉट यानी बर्तन. सेवन नंबर घर, घर को क्या बोलते हैं? घर को जिसमें आप रहते हो, घर. एच ओ यू एस ई, हाउस. हाउस यानी घर, हिंदी में घर और इंग्लिश में हाउस. तो बच्चों ये वर्ड्स हैं हिंदी के, इनको इंग्लिश में मीनिंग हमने लिखे हैं, ये आपको लर्न करना है और राइट, राइट वन टाइम सी डब्ल्यू. किस में लिखोगे बच्चों? सी डब्ल्यू में, हिंदी सी डब्ल्यू. कौन सी कॉपी में? हिंदी की कॉपी. हिंदी की कॉपी का नंबर क्या बताया है मैंने आपको? फाइव नंबर. राइट वन टाइम मीनिंग्स मैं पीडीएफ डालूंगी, तो उसमें से देख के आपको करना है. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.